रोशनी और भव्यता से भरपूर ये है फिल्म आदि पुरुष का नया पोस्टर। पोस्टर में दिख रहे हैं हनुमान जी जो आंखें बंद कर ध्यान लगा रहे हैं, और हनुमान जी की तस्वीर वाले इस पोस्टर को हनुमान जयंती के मौके पर रिलीज करने से बेहतर मौका क्या हो सकता था। ये पोस्टर अपने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर किया फिल्म के दोनों स्टार्स कृति सैनन और प्रभास ने, जिसके साथ हिंदी और इंग्लिश में कैप्शन में लिखा है, राम के भक्त और राम कथा के प्राण, जय पवन पुत्र हनुमान। लेकिन बेहद पावन अवसर पर रिलीज किए गए पोस्टर पर भी एक बार फिर तरह तरह के कमेंट आने लगे, क्योंकि इस बार आदि पुरुष के नए पोस्टर में हनुमान का लुक कई लोगों को पसंद नहीं आया। वैसे आदि पुरुष की फिल्म की टीम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले फिल्म का एक और पोस्टर रिवील किया गया था जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पोस्टर में राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हनुमान जी दिख रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पोस्टर पर भी नेगेटिव कमेंट्स किए। लेकिन ये मामला और तूल पकड़ रहा है, क्योंकि इसी कड़ी में फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत, प्रोड्यूसर भूषण कुमार और बाकी स्टार कास्ट के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि पोस्टर के जरिए हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। शिकायत संजय दीनानाथ तिवारी नाम के शख्स ने की है और कहा है कि फिल्म में राम सनातन धर्म की नींव है और पोस्टर में सभी स्टार्स को बिना जनेऊ के दिखाया गया है। इसके अलावा माँ सीता का रोल प्ले कर रही कृति सैनन की मांग में सिंदूर ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर हिंदू देवी देवताओं की छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है। पोस्टर के लिए हिंदू धर्म को गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 500 करोड़ के बजट में तैयार हुई फिल्म आदि पुरुष का टीजर अक्टूबर 2022 में रिलीज किया गया था। हालांकि टीजर के रिलीज के साथ सोशल मीडिया पर इसे जमकर क्रिटिसाइज भी किया गया था। फिल्म के टीजर को बुरी तरह से ट्रोल किया गया, क्योंकि लोगों को हद से ज्यादा एनिमेटेड ट्रेलर कार्टून फिल्म जैसा लगा। इसके बाद मेकर्स ने बयान जारी कर कहा था कि फिल्म पर दोबारा काम किया जा रहा है। ये फिल्म पहले इसी साल जनवरी में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन तमाम विवादों में घिरी अब ये फिल्म जून में रिलीज की जाएगी।